और अब इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता देते हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, एक बार फिर से ईडी की तरफ से उन्हें समन भेजा गया है और ऐसे में सवाल बड़ा ये हो रहा है कि आखिरकार दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का क्या होगा। ईडी के समन पर आज अरविंद केजरीवाल पेश नहीं होंगे, ये साफ कर दिया गया उनकी तरफ से। आम आदमी पार्टी ने ईडी के समन को फिर से गैर कानूनी करार दिया है और साथ ही ये भी कहा कि जब कोर्ट से जमानत मिल गई है तो फिर बार बार समन ईडी क्यों भेज रही है। दरअसल ईडी ने दिल्ली जल बोर्ड मामले में केजरीवाल को आज पूछताछ के लिए बुलाया था, लेकिन केजरीवाल ईडी के सामने पेश नहीं होंगे। हम सीधे आपको लेकर चलते हैं, हमारे साथ हमारे सहयोगी दीपक रावत इस वक्त मौजूद हैं। दीपक, एक कथित शराब घोटाला और अब ये दिल्ली जल बोर्ड वाला मामला, ये तो अलग मामला है जिसमें ईडी की तरफ से भेजा गया है समन केजरीवाल को, इस मामले में भी केजरीवाल ईडी के सामने नहीं जाएंगे दीपक? जी, सीधे तौर पर अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी ने कह दिया है कि ये जो दूसरा मामला है दिल्ली जल बोर्ड से जुड़ा हुआ, जिसमें पहला समन जो ईडी ने भेजा है ये भी इलीगल है, गलत तरीके से भेजा गया है, ऐसा कोई मामला उनके खिलाफ बनता नहीं है। अधिकारियों के खिलाफ जो कार्यवाही हुई है उसको लेकर आम आदमी पार्टी का कहना है कि अधिकारियों को धांधली को लेकर सीधा मुख्यमंत्री से नहीं जोड़ा जा सकता और इस मामले में गलत तरीके से उन्हें फंसाने की कोशिश की जा रही है। यही वजह है कि सीधे तौर पर अरविंद केजरीवाल ने इस समन पर भी जाने से इनकार कर दिया और एक बार फिर बीजेपी को केंद्र सरकार पर सवाल खड़े कर दिए और कह दिया कि बीजेपी क्योंकि चुनाव आ गए हैं, चुनाव की घोषणा हो चुकी है, तो ऐसे में अरविंद केजरीवाल उनकी पार्टी को पीछे धकेला जा सके, उन्हें कमजोर किया जा सके और जिस तरह की आशंका लगातार अरविंद केजरीवाल जता रहे हैं कि उनकी गिरफ्तारी हो सकती है, तो यही वजह है कि उनको एक तरीके से उन्होंने सीधे तौर पर यह कह दिया कि बीजेपी जो है उन्हें फंसाने की कोशिश कर रही है, ईडी के जरिए दबाव बनाने की कोशिश कर रही है और इस तरह के समझौते नहीं जाएंगे। बहुत शुक्रिया आपका दीपक रावत इस तमाम जानकारी के लिए। तो आम आदमी पार्टी और केजरीवाल की तरफ से ये कहा जा रहा है कि बीजेपी जो है चुनावी माहौल में परेशान करने के लिए, फंसाने के लिए अरविंद केजरीवाल को ईडी का इस्तेमाल कर रही है। ईडी के एक्शन को लेकर दिल्ली में राजनीति आप जानते हैं लगातार गर्म है। आम आदमी पार्टी बीजेपी पर केजरीवाल को फंसाने का आरोप लगा रही है। आम आदमी पार्टी का कहना है लोकसभा चुनाव से पहले केजरीवाल की गिरफ्तारी की साजिश बीजेपी की तरफ से रची जा रही है। वहीं बीजेपी इस पूरे मामले पर कह रही है केजरीवाल सरकार के हर विभाग में घोटाला है, इसीलिए कानूनी कार्रवाई चल रही। देखिए, केंद्र सरकार परेशान है कि मुख्यमंत्री ईडी द्वारा गिरफ्तार नहीं कर पाए, कोर्ट गए, कोर्ट में भी जमानत मिल गई, तो अब इस तरीके के कई मामले मुख्यमंत्री जी के ऊपर थोपने की कोशिश चल रही है। किसी तरीके से चुनाव से पहले अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार करना चाहते हैं कि अरविंद केजरीवाल का अब सम्मान नहीं है, अब अरविंद केजरीवाल को सिर्फ सम्मान है। 8 सम्मन की अवहेलना के बाद उनको कोर्ट की शरण में जाना पड़ा कि न्यायपालिका हमें बचाए और न्यायपालिका थोड़ी देर के लिए राहत दी, चलो भाई 8 सम्मन में नहीं गए तो थोड़ा देर के लिए बेल देते हैं, लेकिन फिर से कहा गया जाकर के इन्वेस्टिगेशन में शामिल होइए, फिर 9वां सम्मन जाना और जल बोर्ड घोटाले का एक नया केस खुल जाना। ऐसा लगता है कि अरविंद केजरीवाल का हर विभाग में जहां हाथ रखिए वहीं भयानक घोटाला हो रखा है। आज सब ठगा महसूस कर रहे हैं और अरविंद केजरीवाल को ये मान चुके हैं कि ये व्यक्ति भ्रष्टाचारी है। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।